नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो और उसमें गैप मेंटेन हो, तो ये प्योर इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को और थोड़े अधिक खर्चीलेपन को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में सुन सबके लेंगे आप, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की, और किसी से दब करके रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती है। हालांकि जो व्यक्ति आपको अच्छा गाइड, एडवाइस, सजेशन दे रहा हो, उसकी डेफिनेटली आप एक बार उसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन अंततः जो निर्णय है खुद के कंफर्टेबिलिटी, खुद की सूझबूझ के अकॉर्डिंगली ही लेना पसंद करते हैं। क्योंकि जब थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में गैप होता है, तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग एंड सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। तो इस कंडीशन में एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच थोड़ा ज़्यादा क्रिएट होता है। यहाँ देखेंगे तो जो लिटिल फिंगर की लेंथ है, थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से। अदरवाइज देखा जाए तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ये ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं देता, लेकिन थोड़ा स्टेज फियर रहता है इस कंडीशन में। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से थोड़ी सी बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट अथवा मन के अंदर थोड़ी बात को दबाना, इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में हालांकि ज़्यादा कोई फर्क है नहीं, दोनों की लेंथ जब तकरीबन सेम होती है, तो इस कंडीशन में रिसर्चिंग नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना अथवा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, ये भी नेचर में रहता है। गुरु की फिंगर की लेंथ ठीक होने के कारण ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, इसलिए जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छी तरह से काम निकलवा पाना, ये सारे बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ आपको रिस्क टेकर बनाएगा, जिसके कारण कोई भी नया काम शुरू करने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और इस कंडीशन में देखा जाए तो सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होता है, खुद के मेहनत पराक्रम से जीवन में निरंतर तरक्की कर पाने में सक्षम देखने को मिलते, और क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छा देखने को मिलता है। रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को, अच्छे रॉयल्टी और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी यहाँ पर यह दर्शाता है। आपका जो फर्स्ट फिंगर है, उसका झुकाव सेटन की तरफ है, यानी सेकंड फिंगर की तरफ है, तो इस कंडीशन में ये अध्यात्म में रुचि और एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। खुद की कंपनी को एंजॉय करना, थोड़ा सीरियस रहना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी जो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो थोड़े डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस यहाँ आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मास की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक देखने को मिलता है। वहीं जो थंब है वो आपका बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, तो आप डिसीजंस व प्लानिंग जो लेते हैं, उसके अंदर बहुत ईजिली चेंजेस अडॉप्ट कर पाते हैं। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अच्छी है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड पर्सनैलिटी ये भी देखने को मिल रहा है। रात गई बात गई वाला नेचर है, किसी बात को लंबे समय तक पकड़ के बैठे रखना ये आपके नेचर में नहीं है, इसलिए एक प्रकार से यहाँ पर लेट इट बी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी देखने को मिलता है, और इसीलिए ज़्यादा लोड अपने लाइफ में आप जैसे जब तक लेते हुए नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यव का चिन्ह भी है, जो इंट्यूशंस व सिक्स्थ सेंस अच्छी देता है। कई मरतबा पूर्व अनुमान, आभास, सपना अथवा सपनों के माध्यम से भविष्य देखने के दृश्य जैसी चीज़ें उत्पन्न होती है, जो बातें मुँह से निकलती सच में बैठती है। तो इस कंडीशन में अगर आप मेडिटेट करते रहें या धार्मिकता के अंतर्गत पूजा पाठ या दान धर्म करते रहें, तो इससे समृद्धि प्रसिद्धि के साथ साथ संतुष्टि भी जीवन में बढ़ने लगता है। फर्स्ट फैलेंज पर जब आड़ी रेखा हो, तो ये धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति पर्याप्त जीवन में देखने को मिलती है। और जो पाम का आपका साइज है, वो आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम डिजायर एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंतर्गत जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। और वहीं यहाँ पर अब बात करेंगे आपके जो है पाम के क्लोजअप पे, तो सबसे पहले आते हैं जुपिटर के ऊपर। तो आपका जो जुपिटर माउंट है, बिल्कुल सेटल्ड और बहुत अच्छा डेवलप्ड है। इस कंडीशन में सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख अच्छा देखने को मिलता है, बच्चों से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, दाम्पत्य जीवन एकदम स्मूथली रन करने वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है, ये तो बहुत अच्छी है ही, लेकिन आपकी हृदय रेखा पूरी की पूरी ज्वाइंट हुई है जुपिटर से, जो एक बहुत आशावादी किस्म के व्यक्तित्व को, इमोशनल नेचर को, और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दयालु, करुणा भरे दिल को दर्शाता है। आप जैसे जातक दिल के बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिलते हैं और बहुत हेल्पिंग नेचर देखने को मिलता है। दुश्मन को भी आगे से लेकर के पानी पिलाना, माफ कर देना, ये आप जैसे जातकों में ही देखने को मिलता है। और यह आराम प्रिय किस्म का व्यक्तित्व हालांकि देता है, लेकिन हृदय रेखा जब जुपिटर से कंजंक्ट हो,
तो दिल के जो साफ देखने को मिलते हैं इसी के अंतर्गत कभी किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते, झूठ फरेब और तमाम तरह के दिखावटीपन से भी बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेगा बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजर जाने वाले यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये हेल्प करता है डिज़ायर कंप्लीट करने में। तो आप जैसे जातक बहुत एम्बिशियस नेचर के भी होते हैं, और इस कंडीशन में ये इसे हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, जिसके अंतर्गत कंटिन्यू लाइफ में प्रोग्रेस देखने को मिलती है, क्योंकि जीवन भर प्रयत्नशील होते हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए या इच्छा अरमानों की पूर्ति करने के लिए। तो ये जुपिटर आपको सांसारिक सुख के साथ साथ एक प्रकार से देखा जाए तो समाज में अच्छा पद प्रतिष्ठावान व्यक्तित्व भी देता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत बड़े बड़े लोगों को भी, जो लोग पावर पोजिशन में है उनको भी आपके सामने आकर के शीश नमन करना रहेगा। तो ये गुरु सम्मान के साथ साथ जीवन शैली भी आपके कुल मिलाकर के कंफर्टेबल देता दिख रहा है। हालांकि अभी हथेली के अनदर जो एस्पेक्ट्स हैं वो सब क्या कहते हैं अभी उस पर हमको चर्चा करना बाकी है, लेकिन नॉर्मली जब गुरु हथेली में अच्छा हो तो लाइफ ओवरऑल कंफर्टेबल और सेटिस्फैक्ट्री ही देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करेंगे आपके शनि के विषय में। तो शनि की स्थिति पर आए तो शनि पर आप देखेंगे कि आपकी एक अथवा उससे अधिक कुछ रेखाएं मौजूद है जो मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत एक समय पर एक से ज्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना और आप जैसे जातक अपॉर्चुनिटी के तलाश में होते हैं, इसलिए जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करते हैं, जिससे टेम्पररी बेनिफिट्स लाइफ में हमेशा मिलते हुए देखने को मिलता है। सेपरेट फेट लक लाइन की बात करें तो आपने अपने लाइफ में बहुत चेंजेस भी किया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लक लाइन मून से निकला है जो दर्शा रहा है कि मन का आपने काम भी किया है और शादी के तत्पश्चात भाग्योदय भी हुआ है, क्योंकि ऐसी रेखा वाइफ के आने के बाद लाइफ में सपोर्ट अच्छा या स्टेबिलिटी बढ़ा देने वाली रहती है। बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार सहयोग भी प्राप्त होता है, जन्म स्थान से दूर उन्नति होती है। फिर ये लक लाइन यहाँ पर ब्रेक ले रही है तकरीबन 36 एंड 37 में ही, उसके पहले ये एक इंडिपेंडेंट लक लाइन जनरेटेड है और फिर माइंड लाइन से फिर अनदर लक लाइन निकली हुई है, लाइफ लाइन से अनदर निकली हुई है। जब लक लाइन रुक रुक करके चलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि काम देरी से हो रहा है या बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी या रुक रुक करके हो रहा है। इस कंडीशन में क्या रहता है कि बार बार करियर वाइज चेंजेस होने के आसार जो है ज़्यादा होते हैं, इसीलिए करियर के रिगार्डिंग चेंजेस होना या वर्क प्लेस के रिगार्डिंग चेंजेस इस कंडीशन में देखने को मिलता है। लक है आपके हथेली में, कंफर्टेबल लाइफ दे भी रही है, अर्निंग भी कंफर्टेबल दे रही है, बस चेंजेस ज़्यादा हो रहा है इसीलिए कंटिन्यूटी थोड़ी ब्रेक होते दिख रही है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देखेंगे तो आपके सूर्य पर दिखेगा, सूर्य की रेखा जो है मल्टीपल्स लाइन के साथ अवेलेबल है नीचे, जो एक तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के योगों को दर्शाता है। इस कंडीशन में फोकस बहुत ज़्यादा जगहों पर देखने को मिलता है, जिसके कारण भागा दौड़ी जीवन में ज़्यादा रहती है और करियर के रिगार्डिंग ये कन्फ्यूज़न अनसेटिस्फेक्शन अनस्टेबिलिटी देता है। लेकिन वही यही सूर्य रेखा आगे चल करके एकदम फ्लुएंट वे में और एकदम स्ट्रेट यहाँ पर जा रही है, जो बहुत अच्छे मान सम्मान इज्जत शोहरत धन वैभव कीर्ति जैसे योगों को दर्शाता है कि जो भी काम आप जीवन में तकरीबन उम्र 43 एंड 44 के बाद में करेंगे या जिस भी क्षेत्र में रहेंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप नाम ही कमाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो एक ब्रांड वैल्यू जिसे हम कहते हैं वो आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कब से? 43 और 44 के एज से। इसी के अंतर्गत जब शनि और सूर्य के बीच में कोई रेखा होती है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं, तो आपका जो ज्ञान है वो दूसरों के काम अच्छा आएगा, अच्छे खासे लोग आपके पास आकर के एडवाइस लेंगे और जो आप उनको सजेशंस या गाइडेंस देंगे उनसे उनका काम भी बनेगा, क्योंकि इस विद्या रेखा के अंतर्गत खुद का ज्ञान दूसरों के काम बहुत अच्छा आते हुए देखने को मिलता है। और कभी भी किसी को मोटिवेट करने में या ज्ञान देने में या सजेशन देने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, तो कंसल्टेंसी जैसे काम में, टीचिंग जैसे काम में बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ व सक्सेस देखने को मिलता है। वहीं जब फिंगरप्रिंट्स के अकॉर्डिंगली इस प्रकार की आकृति बनती है तो इस कंडीशन में ये इसे हम लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। तो इस कंडीशन में भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, बहुत ज़्यादा दिखावटीपन आप जैसे जातकों में ना रहना, सीरियसनेस थोड़ी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, थोड़ा सा मूडी नेचर भी इस कंडीशन में होता है। बीच में जो ये रेखा जा रही है बुध और सूर्य के, इसे यशस्वी योग कहते हैं। तो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का फॉर्मेशन ये होता है, इस कंडीशन में खुद के पराक्रम मेहनत से प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाने में, घर बना पाने में सक्षम होते हैं। आउटर मार्स से जो ये रेखा आ रही है कनेक्टेड, ये बहुत ज़्यादा पराक्रमी बनाती है, इसे जो है पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो डेडिकेशन काम के प्रति बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। ये जब ये रेखा हथेली में होती है काम की कमी होती नहीं है, जीवन में काम पे काम आते चले जाते हैं। अगर सोचेंगे कुछ समय फ्री रहें खाली बैठे तो ये थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है ये कंडीशन।
यहाँ पर मरकरी के ऊपर बात करेंगे तो मरकरी के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी देता ही है, कम्युनिकेशन अच्छी इस कंडीशन में रहती है, इंटेलिजेंसी अच्छी होती है, लर्निंग हैबिट अच्छी होती है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सीखने वाले होते हैं और एक प्रकार का अट्रैक्टिव नेचर और सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी भी क्रिएट करता है। इसीलिए कई मरतबा लोग अपने डीपेस्ट सीक्रेट आपके सामने इजिली खोल देने वाले रहेंगे क्योंकि आप उनको इतना स्पेस दे रहे, कंफर्टेबिलिटी देते हुए देखने को मिले और उनको अच्छा भी लगेगा आपसे वार्तालाप करना या आपकी कंपनी को एंजॉय करना। तो ये मरकरी जीवन में इस प्रकार से कभी भी काम की कमी भी नहीं होने देता ये भी, और धनार्जन भी कंफर्टेबल इस कंडीशन में रहता है। और जब मरकरी लाइन भी क्रिएट हो तो खुद का इंस्टीट्यूशन भी आप ओपन करिए, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और फिंगर भी आपकी शॉर्ट है ही, जुपिटर की जहाँ तक बात करें तो उसका भी स्ट्रेंथ है ही आपके हथेली में, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। और वहीं जब यूनियन लाइन भी एक से अधिक हो तो एक से ज़्यादा बार लाइफ में अटैचमेंट भी, यानी इमोशनल रिलेशन इस कंडीशन में स्ट्रांग दो बार देखने को मिलता है। वहीं जो नीचे की तरफ ज़्यादा शाखाएं आ रही हों तो यह सेवा भाव किस्म का नेचर देता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले पाए जाते हैं। हृदय रेखा में जब डबल लाइन चल रही हो तो इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन होता है, जिसके अंतर्गत कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी सीरियस, कभी एग्रेसिव, कभी प्रैक्टिकल, ये इमोशंस हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए तो बहुत इमोशनल नेचर के हैं आप, चाहे लाइफ में कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाए, लॉजिकल क्यों ना हो जाए, फाइनल डिसीजन हमेशा इमोशन बेस्ड ही आपका रहने वाला है। एक शाखा मंगल पे गई है जो कि मांगलिक योग का निर्माण करती है, एग्रेशन बहुत खराब होता है इस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो माइंड लाइन है उसमें चेंजेस आया है उम्र तकरीबन 22 और 23 में ही, तो इसके बाद से जाकर के एग्रेशन पे धीरे धीरे आपका कंट्रोल होना शुरू हुआ और मोस्ट प्रोबेबली 28 के बाद से मांगलिक योग के अंतर्गत भी एग्रेशन पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग शिकायत होने की आशंका है आपके हथेली में। वहीं देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन में भी चेंजेस आया तो उम्र तकरीबन 20 के बाद से ही बहुत ज़्यादा सीरियस होगा और माइंड लाइन थोड़ी फेल करके आपकी ज़्यादा चल रही है, और इसका अगर हम ड्यूरेशन काउंट करेंगे यहाँ पर ये पीरियड हो जाएगा आपका 26 और 27 से लेकर के तकरीबन ये पीरियड दिख रहा है 34 का। ये पीरियड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आपका रहा, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी, स्ट्रेसेस, वरीज और मल्टी टास्क आपने इस दौरान में किया है, इसीलिए लाइफ में बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस बहुत जल्दी आपने गेन किए हैं। और फिर उसके बाद जब एक हल्की सी प्रोग्रेस लाइन निकली है 34 और 5 में ही, उसको धीरे धीरे स्टेबिलिटी आई है, यानी धीरे धीरे स्मूथनेस फिर माइंड लाइन में आने लग रही है। इस प्रकार की माइंड लाइन की सबसे अच्छी बात यह होती है कि तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं, और आप जैसे जब तक बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता रखने वाले होते हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करते हैं, हमेशा नई चीज़ों की तलाश में देखने को मिलते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम पे काम ना करते हुए सॉल्यूशन पे हमेशा ध्यान देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार की माइंड लाइन लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी इतनी ज़्यादा देती है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है यो वो बहुत अच्छे से पता रहता है। इसीलिए तो आपके हथेली में जुपिटर भी स्ट्रांग है, यहाँ पर विद्या रेखा भी है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपके पास एक्सपीरियंसेस है जिसके बिहाव पे आप बहुत अच्छे किसी को गाइडेंस दे सकते हैं। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है तो कई मरतबा ये देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति आपके पास आकर के अपने लाइफ को जो भी बात कहेगा, एक्सपीरियंस कहेंगे, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एक इंसिडेंट अपने लाइफ का उठा के रख देंगे। इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करती है इस प्रकार की माइंड लाइन, तो इसीलिए ये अच्छे अर्निंग को और लाइफ में अच्छे ग्रोथ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता दिख रहा है। और अभी भी इसमें प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली है, ये उम्र तकरीबन हो जाएगा आपको 43 और 44 जो सन लाइन के ऊपर भी हमने देखा, तो इस उम्र से और ज़्यादा तरक्की समृद्धि मिलेगी। और मरकरी के ऊपर ये रेखा गई है तो अर्निंग लाइफ में बहुत अच्छी बढ़ने वाली रहेगी आपकी। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना प्योर स्मूथनेस आपके माइंड लाइन में भी आ गया, तो स्ट्रेस वरीज भी इस कंडीशन में कम हो जाएगा 43 44 से। लाइफ लाइन के ऊपर भी स्ट्रेसेस बहुत दिख रहा है क्योंकि छोटी छोटी राहु की रेखाएं तो आकर के रेगुलर डिस्टर्ब कर ही रही हैं, तो ऑब्लिगेशंस और ऑब्स्टिकल्स तो लाइफ में बना ही रहा आपके, लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि सपोर्टिव लाइन की जो फॉर्मेशन है आपके पाम में ये भी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, जिसे देवदूत रेखा और प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। तो इस कंडीशन में स्पाउस का, बाहरी दुनिया लोगों का या स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट अच्छा मिलता है, जिससे जो स्ट्रेस वरीज है वो कम होता है और ड्रीम डिजायर एम्बिशंस कंप्लीट होते हैं। सबसे बिगेस्ट जो स्ट्रेसेस रहा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग रहा, वो तकरीबन आपको 35 से लेकर के 37 के मिड में था, और उसके बाद फिर प्रोग्रेस वापस शुरू हुआ 37 और 8 से, अभी 42 और 43 से, और फिर उसके बाद ये जो रेखा निकली है ये 50 अप्रोक्स एज 50 और 52 के मिड से निकला हुआ है।
और तकरीबन 46 के बाद से तो आपकी ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी, और मिडिल में आई है लाइफ लाइन, तो करियर ओरिएंटेड आप ज़्यादा रहेंगे। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, पहले एग्रेसिव थोड़े ज़्यादा थे। आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, आउटर मार्स और डेवलप्ड है तो जो कि कंट्रोल्ड एग्रेशन देता है। शुक्र की स्थिति भी बढ़िया है जो लग्जरियस लाइफ की मेन कारक है। हालांकि यहाँ की आड़ी रेखा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस वरीज ज़्यादा देती है, बट ओवरऑल ये शुक्र संजीवनी का कारक है जिसके तहत लंबी आयु अच्छा स्वास्थ्य का निर्माण ये करता दिख रहा है। लग्जरियस लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी दे रहा है। केतु पर डिवाइडेशन छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की बड़ी यात्राएं करवाती है। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन ज़्यादा विचलित करता है, रेस्टलेसनेस जिसे हम कहते हैं, और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल तो इनकम्प्लीट है, लेकिन इस प्रकार का मरकरी लाइन भी अर्निंग कंफर्टेबल देता है और सेविंग्स भी इवन करने में जो है मददगार होता है। यहाँ पर देखेंगे आपके लेफ्ट पाम में लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लक लाइन सबसे ज़्यादा फ्लुएंट जो है माइंड लाइन के ऊपर से ही निकलता दिख रहा है, और सूर्य रेखा बहुत स्ट्रांग है। सूर्य रेखा मान सम्मान देती है और दूर दूर तक जो है नाम का परचम लहराते हुए देखने को मिलता है, और माइंड लाइन के नीचे से जब इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन आती है तो इस कंडीशन में थोड़ा रिसर्चिंग नेचर हो जाता है, तो डीप थिंकिंग एबिलिटीज कंडीशन में रहती है। और लाइफ लाइन अभी तो फ्लुएंट चलने लग रही है 43 से तकरीबन, तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी आपकी, स्ट्रेसेस वरीज तकरीबन नेग्लिजिबल उस कंडीशन के बाद से हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।